अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ योर होस्ट अलीसा शराज एंड यू आर वॉचिंग लिटरेरी बर्ड्स। सो गाइस, एज यू नो दैट दीज डेज आई एम अपलोडिंग वीडियोज़ रिगार्डिंग फिलिप सिडनी एंड अपोलॉजी ऑफ पोइट्री एंड यू मे ऑल्सो से दैट द डिफेंस ऑफ पोइजी। तो आज का जो टॉपिक है उसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे दैट हाउ पोइट्री इज़ सुपीरियर देन फिलोसफी एंड हिस्ट्री और हाउ पोइट्री इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन दीज बोथ सब्जेक्ट्स। सो स्टार्ट गाइस, एन अपॉलॉजी फॉर पोइट्री। ये एक लेंथी सा पैराग्राफ है लेकिन इससे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। लेट्स स्टार्ट। इन द प्रमोशन ऑफ वर्च्यू बोथ फिलोसफी एंड हिस्ट्री प्ले देयर पार्ट्स। अगर हम वर्च्यू की बात करें तो अच्छाई की बात करें या नेकी की बात करें तो हिस्ट्री और फिलोसफी ने किरदार अदा किया है अपना अपना, कोई शक नहीं इसमें। लेकिन दे आर बाउंड, दे आर लिमिटेड टू देयर सब्जेक्ट। और पोइट्री क्यों सुपीरियर है, क्योंकि वो बाउंड नहीं है। फिलोसफी डील्स विद इट्स थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स एंड टीचेस वर्च्यू बाय परसेप्ट्स, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है ये। फिलोसफी जो है वो हमें लॉजिकल बात को कन्वे करता है और हमें बताती है कि यानी किस तरह आप जो हम लोगों के सामने रखती है, कंपैरिजन रखती है कि क्या चीज़ बेहतर है और किस तरह, अगर कोई चीज़ है तो उसमें कितनी लॉजिकल उसका, कितनी उसकी लॉजिकल अप्रोच है। जबकि हिस्ट्री हमें लाइफ के बारे में, जो पीछे पास्ट में गुजर चुकी हैं बातें, वो कैसे हुई थी और कितने अच्छे तरीके से हुई थी, क्या उसमें बुराई थी, क्या अच्छाई थी, उस सबको खोल खोल के हमें बताती है। बट पोइट्री गिव्स बोथ परसेप्ट्स एंड प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देती है पोइट्री हमें। और इसमें पोइट्री में कैपेबिलिटी होती है इन दोनों सब्जेक्ट को अपने अंदर इन्वॉल्व करने की, इसीलिए इसे सुपीरियर कहा गया है। पोइट्री बाउंड नहीं है, पोइट्री को सिर्फ हिस्ट्री के बारे में ही बात नहीं करनी, पोइट्री को सिर्फ फिलॉसफी के बारे में ही बात नहीं करनी, पोइट्री को सिर्फ आर्ट और साइंस के बारे में ही बात नहीं करनी। पोइट्री यूनिवर्सल है, पोइट्री दुनिया का कोई भी ऐसा टॉपिक, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट चूज़ कर सकती है। यानी पोइट जो है उसको, उसकी एक क्रिएटिव, उसमें एक क्रिएटिविटी होती है, वो एक प्रोफेटिक अप्रोच रखता है, उसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो किसी भी टॉपिक को अपने अंदर इन्वॉल्व कर सकता है और हमें उस हिसाब से अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू एक मैसेज पोर्ट्रे कर सकता है। जबकि हिस्टोरियन जो हैं वो सिर्फ हिस्ट्री की बात करेंगे, जो फिलोसोफर्स हैं वो फिलोसफी की बात करेंगे। फिलोसफी बीइंग बेस्ड ऑन एब्स्ट्रैक्शन इज हार्ड ऑफ यूटरेंस एंड मिस्ट्री टू बी कंसीव्ड, जैसे मैंने अभी आपको बताया। इट कैन नॉट बी अ प्रॉपर गाइड फॉर यूथ। जिस तरह अगर कहा जाए कि जो फिलोसफी सिर्फ यूथ जो है, जो हमारी जनरेशन है, इसको सिर्फ फिलोसफी पढ़ाई जाए तो ये बात ठीक नहीं होगी, क्योंकि फिलोसफी जो है वो सिर्फ अपने सब्जेक्ट तक बाउंड है। उससे आप वो सब चीज़ें रीडर्स को या स्टूडेंट्स को बता नहीं पाओगे जो कि पोइट्री बता पाएगी, क्योंकि पोइट्री में सब चीज़ें आ जाएंगी ना। तो कोई भी टॉपिक आप चूज़ कर सकते हो। ऑन द अदर हैंड द हिस्टोरियंस इज टाइड टू एम्पिरिकल फैक्ट्स दैट हैज़ एग्जाम्पल ड्रैग्स नो नेसेसरी कॉन्सिक्वेंसेज। जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि जो हिस्ट्री है वो भी एक बाउंड सब्जेक्ट है और ऐसी चीज़ों को यानी ड्रैग कर कर के आपको बताएगी जो कि एक रीडर के लिए इतनी इम्पॉर्टेंस नहीं रखती। यानी जो हिस्टोरियंस हैं और जो हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं उनको तो वो एक अच्छा मैसेज दे रही है और वो उसे लर्न कर रहे हैं, लेकिन जो कॉमन जो हैं स्टूडेंट्स हैं या कुछ रीडर्स हैं जिनको एक यूनिवर्सल मैसेज चाहिए, और क्योंकि पोइट्री यूनिवर्सल अपील रखती है तो वो आपको उन सब चीज़ों के बारे में आगाह कर सकती है। पोइट्री गिव्स परफेक्ट पिक्चर ऑफ वर्च्यू विच आर फार मोर इफेक्टिव देन द म्योर डेफिनेशन ऑफ फिलोसफी। अब देखिए ना कि एक जो फिलोसफी है वो आपको डेफिनेशन देगी उन्हीं चीज़ों के बारे में जो कि
एक फ़िलोसोफ़र अच्छे तरीके से समझ सकता है, क्योंकि फ़िलोसफ़ी भी हर बंदे के समझने का काम तो नहीं है। जो बहुत इंसान लाइक है, जिसका इतना जहन है, वो ही एबल होगा ना उसको समझने के। कॉमन मैन कैन नॉट परसीव द लॉजिकल थ्योरीज ऑफ फ़िलोसफ़ी, बिकॉज फ़िलोसफ़ी इट्सेल्फ अ ह्यूज सब्जेक्ट एंड इट हैज़ इट्स इम्पॉर्टेंस। तो जो पोइट्री है, पोइट्री में एक ऐसा हुनर है, पोइट्री एक ऐसी चीज़ है जिससे एक ऐसा इंसान जो पढ़ा लिखा नहीं भी है वो भी पोइट्री को बड़े अच्छे तरीके से समझ पाएगा। जैसे आप एक गाना चला दो या कोई आप ऐसा मैसेज दे दो जो कि एक लिरिक फॉर्म में हो, तो बड़ी अच्छी समझ आएगी उस ऐसे इंसान को भी जो कि पढ़ा लिखा नहीं है, या उसकी ज़ुबान उससे मैच करिए, तो वो मैसेज बड़े अच्छे तरीके से सुनेगा, कन्वे होगा, चाहे वो इंसान उस चीज़ को करने के हक़ में है या नहीं है, या उसमें इतनी हिम्मत या ताकत है या नहीं है, लेकिन पोइट्री अपना पैगाम उसको बड़े अच्छे तरीके से ऐसे पहुँचाएगी कि वो उसको सुनने के और करने के काबिल हो जाएगा। तो इट ऑल्सो गिव्स इमेजिनरी एग्जाम्पल्स विच आर मोर इंस्ट्रक्टिव दैन द रियल एग्जाम्पल्स ऑफ हिस्ट्री। जैसे मैंने आपको बताया अभी, द रिवॉर्ड ऑफ वर्च्यू एंड द पनिशमेंट ऑफ वाइस इज़ मोर क्लियरली शोन इन पोइट्री दैन इन हिस्ट्री। अब देखें, जिस तरह हमें अगर जिस तरह आजकल जो ड्रामा उर्तुगरुल गाजी जो चल रहा है उसमें वो हिस्ट्री बेस्ड है, तो उसमें कुछ ऐसे डायलॉग्स और कुछ ऐसी इवेंट्स यूज़ किए गए हैं हिस्ट्री से रिलेटेड, जिस तरह वो ज़्यादा फेमस क्यों हो रहा है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे डायलॉग्स हैं, कुछ ऐसी ट्रेजडीज़ दिखाई जाती हैं जिसमें आपको एक अच्छा बड़े अच्छे तरीके से आप उसे समझ पाते हो। और अगर तो इसमें यानी पोइटिक जस्टिस आ जाता है कि जो गलत है उसको गलत का जो रॉन्ग वे में जाएगा उसको उसका वैसा ही रिजल्ट मिलेगा, और जो अच्छे तरीके से लोगों के साथ बिहेवियर रखेगा उसको एक अच्छा इम्पैक्ट उसका पड़ेगा और वो अच्छा समझा जाएगा। पोइट्री में ये एक चीज़ होती है कि वो पोइटिक जस्टिस रखती है अपने अंदर। आगे गाइस आ जाता है द रिवॉर्ड ऑफ वर्च्यू एंड द पनिशमेंट, ये मैंने आपको बता दिया। पोइट्री इज़ सुपीरियर टू फिलोसफी इन द सेंस दैट इट हैज़ द पावर टू मूव एंड टू गिव इंसेंटिव फॉर वर्चुअस एक्शन। यही पोइटिक जस्टिस है कि यानी जो बात ठीक है उसको ठीक तरीके से उसका रिजल्ट मिलेगा, जो बात बुरी है उसको बुरे तरीके से उसका वो रिजल्ट मिलेगा। इसीलिए तो प्लेटो ने कहा था कि जो वल्गर और न्यूड पोइट्री है वो नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि उसका इम्पैक्ट भी बच्चों पे वैसा ही पड़ेगा और उसका मैसेज भी वैसे ही कन्वे होगा जैसा कि नहीं होना चाहिए। आगे आ जाता है इट प्रेजेंट्स मॉरल लेसन्स इन अ वेरी अट्रैक्टिव फॉर्म, क्योंकि ये एक ऐसे मॉरल लेसन्स देगी, एथिकल लेसन होंगे इसके इन अट्रैक्टिव फॉर्म, सॉरी माय टंग स्लिप गाइस, अट्रैक्टिव फॉर्म में आपको यानी देती है इस तरह मैसेज उसकी राइम स्कीम के ज़रिए। राइम स्कीम ना भी हो, कुछ ऐसी वर्सेस हों, कुछ ऐसे डायलॉग्स हों जिनके अंदर बहुत अच्छी एक बात हो कि आपके दिल में उतर जाए, कुछ ऐसी बातें होती हैं आसान से। जिस तरह हम लोग बेकन के कुछ ऐसे अल्फाज थे, कुछ ऐसे वर्ड्स थे, कुछ ऐसी लाइन्स थी जो कि बिल्कुल दिल में उतरती हैं, तो पोइट्स में ये कैपेबिलिटी होती है कि वो आपको ऐसे मैसेज कन्वे करें कि आप उसको मानने पर मजबूर हो जाएं। इसीलिए सिडनी का कहना है, एरिस्टोटल का कहना है कि आप पोइट्री को एक ऐसे वे में दूसरों के सामने पेश करो कि उसका गलत इम्पैक्ट नहीं पड़े, बल्कि उसको एक पर्सुएसिव लैंग्वेज में आप उसको लेकर आओ लोगों के सामने। Things which is themselves are horrible as cruel battles, unnatural monsters are made delightful in poetic imitation. अब इन चीज़ों को अगर poetic imitation में आप लेकर आओगे सामने अच्छे तरीके से, इनका impact यानी अगर बुराई है तो उसको आप बुरे तरीके से दिखाओगे तो उसका अच्छा impact पड़ेगा ना लोगों पे, कि लोग ये समझेंगे कि हाँ बुराई का नतीजा बुरा ही होगा और अच्छाई का अच्छा ही होगा। For he doth not only show the way but giveth so sweet a prospect into the way as well entice any man to enter into it। और जब इसी तरह अच्छाई और बुराई का कॉन्सेप्ट दिखाया जाएगा, पोइट्री जो है सबको दावत देती है, कोई ऐसा नहीं है कि जो पोइट्री से अम्यूजमेंट फील नहीं कर सकता, हर सब्जेक्ट यूनिवर्सल अपील है।
आपको किसी भी टॉपिक पे पोइट बात कर सकता है, क्योंकि वो बाउंड नहीं है, वो नेचर पे भी हो सकती है, वो बैटल्स पे भी हो सकती है, हिस्ट्री और फिलॉसफी पे भी, साइंस और आर्ट पे भी हो सकती है, कोई भी चीज़ पोइट जो है वो ले सकता है। द पोइट डजंट बीइंग विद ऑब्सक्योर डेफिनेशन विच लोड द मेमोरी विद द डबल फुलनेस, बट ही कम टू यू विद वर्ड्स सेट इन डिलाइटफुल प्रोपोर्शन आइदर accompanied with or prepared for the well enchanting skill of music. क्योंकि जो थे एरिस्टोटल, उन्होंने म्यूज़िक के साथ उसको सिमिलेट किया था ना, क्योंकि म्यूज़िक जो है वो भी हमारे कहते हैं कि जी घुलता है जहन में और हम उसके यानी बहुत ज़्यादा फील करते हैं, इसी तरह पोइट्री को फील किया जा सकता है। एंड विद द टेल फॉर सूथ ही कम्स ऑन टू यू with a tale which holds children from play and old men from the chimney corner. ये यानी सारी abilities हैं, ये lines आप अपने assignment में भी लिख सकते हो कि उसने ये सारी तारीफ़ की है दरअसल poetry की, कि आप वो चीज़ें जो आपके लिए नामुमकिन हो जाती हैं वो poetry में वो भी वो उन चीज़ों को भी सीधा करने की और उन चीज़ों को भी बेहतर बनाने की अहलियत है। And pretending no more doth intend the winning to the mind for wickedness to the virtue. और यानी आपको बुराई से अच्छाई की तरफ लाने की पोइट्री में एक बहुत बड़ी ताकत होती है, तो इसीलिए इस ताकत को बेहतरीन तरीके से यूज़ किया जाए। और पोइट पर ये जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी पोइट्री के थ्रू माशरे में एक खुशहाली लाए और माशरे को इस तरफ लेकर जाए कि भलाई ही भलाई हो, ना कि बुराई हो। होप गाइज यू लर्न फ्रॉम दिस वीडियो समथिंग स्पेशल फॉर यू। सो प्लीज़ 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 डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल लिटरेरी बर्ड। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।